हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्टाइल कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिसमस स्पेशल केक की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। इस केक को मैंने ओवन में बनाया है, पर आप इसे कुकर या कढ़ाई में बना सकते हो। प्लस मैंने इसकी जो डेकोरेशन की है उसमें मैंने क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है। आप पूछते रहते हो ना कि क्रीम कहाँ से मंगाए, क्रीम नहीं मिल रही है, तो वो सब चीज़ का झंझट ही नहीं है। मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से सजाया है, प्लस मैंने कोई भी नोजल का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इस केक को आप आसानी से घर में बना सकते हो। और आप देख ही सकते हो कि हमारा जो केक है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट है, और ये एगलेस भी है, तो है ना बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सो लेट्स बिगिन। तो आज मैं केक को ओवन में बना रही हूँ, तो सबसे पहले हम ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये प्रीहीट का ऑप्शन चूज़ किया है, इसे हम 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं। तो इसे मैं स्टार्ट कर लेती हूँ और इसे मैं ये ऑन कर लेती हूँ, तो इसे हम प्रीहीट होने देते हैं। तो जब तक ये प्रीहीट हो रहा है तब तक हम केक बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक मिक्सिंग बोल और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे एक छन्नी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप मैदा, 1/2 कप पिसी हुई चीनी, 1/3 कप मिल्क पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर, इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अगर अवेलेबल है तो ऐड करें, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। और अब हम इन सबको अच्छे तरीके से छान लेंगे। छानने से होता क्या है कि हमारा जो केक है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है, प्लस इसमें जितना भी गुठली होता है वो भी निकल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी गुठली हैं, तो इसे हम अच्छी तरीके से दबा दबा कर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो बनकर तैयार है, इसे एक बार हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है, इसे हम साइड रख देते हैं। और अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया एक मिक्सिंग बोल और इसमें हम ऐड कर देंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़ा चम्मच दूध कम लिया है 1 कप में, आप देख सकते हो, इसे हम बोल में ऐड कर देंगे। और अब हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच वेनीला एसेंस, 2 बड़े चम्मच तेल, यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच वाइट विनीगर। और अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये वेट इंग्रेडिएंट्स है वो बनकर तैयार है, इसे हम साइड रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा डाला है और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं ये बाकी का जो वेट इंग्रेडिएंट्स है वो मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल दूँगी और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और ये जो मिक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट लग रहा है, यानी कि गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लगभग 2 बड़ा चम्मच दूध, और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम ले लेंगे एक केक टिन, ये 6x3 इंच का केक टिन है, और अब हम इसे तेल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो इसे बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो तेल को आप अच्छी तरीके से सारे साइड्स में, कॉर्नर में, एजेस में, सब तरफ आप अच्छी तरीके से तेल अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर मैंने ये तेल को अच्छी तरीके से अप्लाई कर दिया है। और अब हम ले लेंगे एक बटर पेपर, जिसे मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है, उसे हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तेल और डाल देती हूँ और इसे हम अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये केक टिन है वो ग्रीस हो चुका है, और अब हम इसमें ये केक बैटर जो है वो पोर कर देंगे। और अब हम इसे अच्छी तरीके से टैप कर लेते हैं और अब हम इसे बेक कर लेते हैं। तो चलिए ओवन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा जो ओवन है वो प्रीहीट हो चुका है, तो इसका डोर खोल लेते हैं और बहुत ही सावधानी से टिन को डाल लेते हैं। और यहाँ पर मैं ये बेक मोड सेलेक्ट कर रही हूँ, 30 मिनट्स के लिए एट 180 डिग्री सेल्सियस के लिए बेक करूँगी।
तो यहाँ पर हमारा जो केक है वो बेक हो गया है। तो एक बार डोर खोल लेंगे और ये देखिए हमारा जो केक है वो कितना अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो केक है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो इसे हम कम्प्लीटली ठंडा हो जाने देते हैं। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक हम चॉकलेट गनाश बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया एक सॉस पैन और इसमें मैं ऐड कर दूंगी क्रीम। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अमूल फ्रेश क्रीम लगभग 200 ग्राम। इसे हम पैन में ऐड कर देंगे, गैस कर लेंगे ऑन और इसे हम हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। इसे हमें तब तक गर्म करना है जब तक इसके ऊपर बबल्स न दिखने लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके ऊपर बबल्स दिख रहे हैं। तो इसे हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करना है, गैस कर लेंगे बंद। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉकलेट। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 400 ग्राम डार्क कॉम्पाउंड चॉकलेट जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसे अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि क्रीम जो है वो चॉकलेट में अच्छी तरीके से कवर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चॉकलेट और क्रीम जो है अच्छी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो गई है। और इसे हम इसी तरीके से लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि क्रीम की गर्माहट से हमारा जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर लगभग 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और हमारा ये जो चॉकलेट गनाश है वो बनकर तैयार है। अगर आपका चॉकलेट गनाश में थोड़े बहुत भी लम्स हैं तो वापस से गैस को ऑन करें और इसे मिक्स कर लें। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो गनाश है वो कितना ज़्यादा स्मूथ है। तो ये अभी काफ़ी ज़्यादा ढीला है यानी कि बहुत ज़्यादा लूज़ है। तो इसे हम सेट करेंगे, तो इसे मैं 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये हल्का सा हार्ड हो जाए, तभी तो हम इसे केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो केक है वो कम्प्लीटली ठंडा हो गया है, तो इसे अब हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक नाइफ की मदद से इसके साइड के एजेस को हल्का सा लूज़ कर लेंगे कुछ इस तरीके से और उसके बाद इसे हम इस तरीके से पलट देंगे, हल्का सा टैप कर लें और इसे जेंटली आप इस तरीके से लिफ्ट कर लें। और अब मैं इसका बटर पेपर हटा देती हूँ। तो ये देखिए हमारा जो केक है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट केक बना है। और अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे और अब हम इसके लेयर्स कट करेंगे। तो मैं इसे केक स्लाइसर की मदद से कट कर रही हूँ, आप चाहें तो नाइफ या थ्रेड से भी इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहला लेयर कट हो चुका है और ये देखिए कितना परफेक्ट दिख रहा है। इसे हम साइड रख देते हैं और फिर से ये दूसरा लेयर कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा लेयर भी कट हो गया है और यहाँ पर मैं सिर्फ ये दो लेयर्स ही यूज़ करूँगी केक बनाने के लिए, तीसरा लेयर हम यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो चॉकलेट गनाश है वो हल्का सा सेट हो गया है। तो अब हम केक की असेंबलिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टर्न टेबल के ऊपर अप्लाई कर देंगे थोड़ा सा चॉकलेट गनाश और इसे हम हल्का सा स्प्रेड कर देंगे ताकि हम केक के लेयर को चिपका सकें। और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे ये केक का पहला लेयर और इसे हम अच्छी तरीके से इसके ऊपर चिपका देंगे। और अब मैं इसे नॉर्मल वाटर से सोक कर रही हूँ, आप चाहें तो शुगर सिरप से भी इसे सोक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से सोक कर लिया है और अब हम इसके ऊपर ये चॉकलेट गनाश लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट गनाश को पाइपिंग बैग में डाल लिया है जिससे इसे अप्लाई करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया है और अब हम इसे हल्का सा स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से स्मूथ कर लिया है और अब हम ये केक का दूसरा लेयर डालेंगे और इसे भी हम पानी से सोक करेंगे। और अब हम इसके ऊपर वापस से चॉकलेट गनाश लगाएंगे और इसे हम अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेंगे। और अब हम थोड़ा थोड़ा चॉकलेट गनाश केक के साइड्स में लगाएंगे कुछ इस तरीके से। ऊपर भी लगा ले और जहाँ जहाँ आपको गैप्स दिख रहे हैं वहाँ पर आप चॉकलेट गनाश अप्लाई कर ले कुछ इस तरीके से। और केक को आप चॉकलेट गनाश से अच्छी तरीके से कवर कर ले, ऊपर में साइड में अच्छी तरीके से चॉकलेट गनाश से कवर कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसे अच्छी तरीके से कवर कर लिया है और अब हम इसे टर्न टेबल के ऊपर से लिफ्ट कर लेंगे और इसे हम केक बोर्ड के ऊपर डाल देंगे।
और अब मैं इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देती हूँ लगभग 15 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर का जो गनाश है वो हल्का सा सेट हो जाए, ताकि हम इसे एक क्लीन लुक दें। तो इसे मैं 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इसे फ्रीजर में लगभग 5-7 मिनट के लिए रख सकते हैं, उससे भी ये हल्का सा हार्डन अप हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 15 मिनट हो गया है, इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और अब हम इसे हल्का सा स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक स्क्रेपर और इस स्क्रेपर की मदद से हम इसके साइड के एजेस को कुछ इस तरीके से स्मूथ कर लेंगे और पैलेट नाइफ की मदद से आप इसके ऊपर के सरफेस को इस तरीके से स्मूथ कर ले जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ। और जहाँ जहाँ आपको गैपिंग्स दिख रही है वहाँ पर आप थोड़ा सा चॉकलेट गनाश अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अप्लाई कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइड के एजेस को मैंने स्मूथ कर लिया है, प्लस मैंने ऊपर के एजेस को भी स्मूथ कर लिया है। और अब हम इसे पिक्चर परफेक्ट लुक देने के लिए पैलेट नाइफ को गर्म पानी में डालेंगे और उसे हम अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे और उसकी मदद से हम एकदम नीट लुक देंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे हो इसके साइड के एजेस बिल्कुल नीट दिख रहे हैं और ये जो ऊपर का लेयर है उसे भी हम स्मूथ कर लेंगे। जब भी आपको नीट लुक देना है अपने केक को तो आप पैलेट नाइफ को गर्म पानी में डालें, उसे पोंछ लें, उसके बाद आप इसे इस तरीके से स्मूथ करें, जिससे जो केक का लुक होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल आता है, एकदम क्रिस्प एजेस आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसे अच्छी तरीके से स्मूथ कर लिया है और अब मैं इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी लगभग 5 मिनट के लिए, ताकि हम इसके ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग कर सकें। तो यहाँ पर लगभग 5 मिनट हो गए हैं और हमारा जो केक है वो अच्छी तरीके से सेट हो गया है और अब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक टूथपिक और इसकी मदद से हम टी ट्रंक टेक्सचर देंगे, यानी कि पेड़ के ऊपर जो टेक्सचर बना रहता है ना वही डिज़ाइनिंग हम इसके ऊपर डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर इस तरीके से राउंड राउंड कर दे रही हूँ। तो रैंडमली आप इस तरीके से राउंड बना लें इसके ऊपर पहले, तो ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ उस तरीके से आप भी करिए, आपको जैसा मन है आप वैसा डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से राउंड राउंड कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, सेम टूथपिक की मदद से इस तरीके से लंबी लंबी लाइन बनाएंगे जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। पेड़ के तने की जो बनावट होती है ना बिल्कुल वही डिज़ाइन बनाएंगे, ट्री ट्रंक टेक्सचर, बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक तो डार्क चॉकलेट गनाश हमने अप्लाई किया है जिसके कारण एकदम डार्क कलर आया है, प्लस ये जो टेक्सचर है वो बहुत ही यूनिक लुक देता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कर दी है और ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है ना। और अब हम इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है व्हिपिंग क्रीम, जिसे मैंने रेड कलर में कलर कर लिया है। इससे हम चेरीज बनाएंगे, ज़रूरी नहीं है आप भी व्हिपिंग क्रीम से ही बनाओ। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप बटर क्रीम बना सकते हो, और बटर क्रीम कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, तो उसे आप मेरी 20 मिनट ब्रेड केक की रेसिपी देख सकते हो, उसमें आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी अगर आपको व्हिप क्रीम नहीं मिलती है तो। और अगर आपको व्हिप क्रीम भी नहीं डालना है, बटर क्रीम भी नहीं डालना है, तो आप एडिबल शुगर बॉल्स भी ऐड कर सकते हो रेड कलर का, उससे भी चेरी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये चेरी डाल दिया है और ये बहुत ही क्यूट लग रही है ना। और अब हम इसके ऊपर लीफ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम को ग्रीन कलर में कलर किया हुआ है और अब हम क्या करेंगे, इसका जो टिप है उसे कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे कुछ इस तरीके से कट कर रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे वी शेप में कट किया है, ये देखिए आप देख पा रहे हो। और अब हम इसे लीफ बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करें, हल्का सा प्रेशर दें, हाथ को शेक करें और इसे इस तरीके से लिफ्ट कर लें, तो इससे आपका जो ये लीफ है वो बन जाएगा। और सेम इसी तरीके से आप लीफ को बना लें। तो यहाँ पर मैंने ये एक एक लीफ सब पर बना दिया है और सेम इसी तरीके से हम सारे चेरीज पर तीन तीन लीफ बना देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लीफ बना दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना। और जहाँ जहाँ गैपिंग्स हैं वहाँ पर भी मैं थोड़ा सा क्रीम डाल दे रही हूँ। और अब हम क्या करेंगे, ये जो रेड व्हिपिंग क्रीम है ना उससे हम चेरीज को थोड़ा बड़ा बड़ा कर देंगे, ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखे।
तो लग रहा है ना बहुत ही क्यूट, काफ़ी ज़्यादा सिंपल एलिगेंट डिज़ाइन है, आपको ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये पाउडर्ड शुगर स्प्रिंकल कर देंगे कुछ इस तरीके से, चाय छन्नी में थोड़ा सा डाल लें और उसके बाद आप इसे इस तरीके से शेक करते हुए इसके ऊपर गिरा दें ताकि वो कंप्लीट क्रिसमस वाला लुक आए। तो ये देखिए लग रहा है ना बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक, बहुत ही सुंदर सा केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या आपको पसंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से कट हो जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, देख सकते हो आप इसका टेक्सचर बहुत ही परफेक्ट आया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।